हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की ये वीडियो खास होने वाली है NPCIL की, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना ओवरव्यू, कुछ मन में विचार चल रहे हैं जो आप लोगों के सामने डेफिनेटली मैं रखना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि चैनल पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स या सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वह ITI स्टूडेंट्स है। बिकॉज स्टार्टिंग से यदि हम लोग देखें 2017 से ITI से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाते आया हूँ, चाहे वह क्लास हो, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन या आप लोगों को गाइड करते आया हूं। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं देखो यहां पर पर्टिकुलर सत्यता बोलता हूं, आप लोगों को मिसगाइड कभी नहीं करूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि आप लोग देखोगे थोड़ा सा वैकेंसियां काफी ज्यादा रिड्यूस हुई हैं। बिकॉज हम लोगों के जो मेन डिपार्टमेंट थे जिसके ऊपर ITI को जो बहुत ज्यादा रोजगार देते थे, चाहे वह इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या फिर DMRC हो, जो मेन वैकेंसियां जहां पर आती थी, जहां पर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा आती थी, वहां पर वैकेंसियां आना आप लोग देख ही रहे हो कि काफी ज्यादा कम हो चुकी है। रेलवे की यदि हम लोग बात करें, एक होप हम लोगों के पास है कि 2014 यानी कि जो इलेक्शन से पहले हम लोगों को एक रेलवे की वैकेंसी देखने को मिले। बाकी यदि हम लोग थोड़ा सा नजर उठाकर देखते हैं, अवेयरनेस के साथ में, एक डर्रे के साथ में नहीं, एक अवेयरनेस के साथ में देखते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यह चीज आप लोगों को फील हो रहा होगा पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से या फिर इस साल से, कि कहीं ना कहीं वैकेंसियां काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी हैं। तो अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझसे काफी सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनकी एज 24, 27, 28, 29, इवन 30 ईयर है, और वो पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं उनको गाइड करना चाहूँगा। उनका कई बार मेरे पास में कॉल आता है, सर मैंने ITI किया है, मैं पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूँ, क्या एग्जैक्टली मुझे इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर मुझे कुछ ना कुछ, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ अदर सोर्स मुझे करना चाहिए। तो मैं उनको, देखो एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि सबसे पहला काम आप लोगों का होता है कि आपको अपने अंदर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो डेफिनेटली कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट तो कम है, अभी अप्लाई करने वाले काफी ज्यादा हैं। तो वहां पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है। यदि आपको लगता है कि हाँ भाई डेफिनेटली मेरी प्रिपरेशन, जैसे कि वो कैसे पता चलेगा, कई सारे आप लोगों ने पहले जो एग्जाम दिए हैं उसमें आप लोगों की एग्जैक्टली रैंक कहां पर आ रही है, क्या आप लोग सिलेक्शन के दायरे से थोड़ा सा पीछे हो या फिर काफी ज्यादा पीछे हो। गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप बहुत पीछे हो, आपका फंडामेंटली क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना उचित है, क्योंकि ये समय है वो। ये चीज आप लोगों को मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाहूंगा। यदि आप लोग डेफिनेटली अच्छा कर रहे हो और पॉइंट टू पॉइंट फोकस कर पा रहे हो, और आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई मैं इस बार थोड़ा सा पीछे हूँ, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो जज्बा है, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे, यदि कोई भी वैकेंसी आएगी वहां पर निकल जाओगे। लेकिन अभी आपका बेसिक ही क्लियर नहीं और आपकी एज एक्चुअल में काफी ज्यादा है, आपके पास में समय उतना कम है, तो थोड़ा सा इस तरफ हम लोगों को कुछ क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। अब देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे NPCIL, बिकॉज अभी हमारे पास में एक इकलौती वैकेंसी ऐसी है कि जहां पर मैक्सिमम ट्रेड वाले स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी सेकेंड में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, चाहे आप लोगों का ट्रेड फिटर हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, वेल्डर हो, या फिर कोई भी ट्रेड है, यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो एक चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि यहां पे जो आप लोगों का गाइस सिलेक्शन होने वाला है वो ओनली डिपेंड करेगा आपकी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। यहां पर आप लोगों के दो एग्जाम पेपर होते हैं, आपको पता है पहला एग्जाम पेपर आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जहां पे यदि हम लोग देखें तो आप लोगों से गाइस टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, और उन 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिक्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आप लोगों को यहां पर 40% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, यदि आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहां पर आप लोगों को 30% मार्क्स लेकर आना पड़ता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो सेक्शन है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और यहां पे
जो अनरिजर्व कैटेगरी से डेफिनेटली 40% मार्क्स, यानी कि आप लोग समझ रहे हो 50 क्वेश्चन में से आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यदि आप लोग देखोगे नॉर्मल है, यदि आप लोगों का थोड़ा सा प्रिपरेशन है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई मेरा नॉन टेक्निकल बिल्कुल ही वीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता आपको होगी। लेकिन उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो बहुत मज़ेदार है, बिकॉज आप लोग एक टेक्निकल स्टूडेंट्स हो और पूरा का पूरा सिलेक्शन आपका उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। अब यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके बिहाफ पर मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, जिससे कि एग्जैक्टली आप लोग समझ पाओ और उस तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाओ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर की हम लोग बात करें, ये स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड आईटी फिटर ट्रेड का है, जो कि रावतभाटा साइट का है, जो कि पुराना क्वेश्चन पेपर है। चाहे आप लोग एनपीसीआईएल का या फिर मैं बोलूंगा एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे वह एनएफसी हो एनपीसीआईएल हो, उन सभी में जो क्वेश्चन लेवल होता है वो सेम होता है। इनफैक्ट यहां पे एनपीसीआईएल का, चाहे आप लोग रावतभाटा का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, चाहे आप काकरपारा का देख रहे हो, चाहे आप कहीं भी किसी भी साइट का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, वो लेवल आप लोगों को लगभग सिमिलर मिलेंगे। अब यहां पे एक चीज क्या दिखाई दे रही है, आप लोगों को समय कितना मिलता है, सर 2 घंटे का समय मिलता है। यहां पे मैं हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करने वाले, मैं थोड़ा सा कुछ हिंट आप लोगों को देने वाला हूं। इन क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि चैनल पर अपलोडेड है, आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो को देख लिए होंगे, यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो। यहां पे मैं एक चीज की ओर नजर आप लोगों का डालना चाहूंगा, जैसे कि यहां पे 1 इंच इक्वल टू सेंटीमीटर पूछा है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, माइक्रोमीटर हैज एन एरर ऑफ पॉजिटिव 0.02, यहां पर आप लोगों की रीडिंग इतनी आ रही है, तो यहां पे आप लोगों को करेक्ट रीडिंग बतानी है। तो पॉजिटिव एरर है, आप लोगों की रीडिंग ये है, तो क्या करोगे सर, माइनस करके हम लोग निकाल देंगे। यानी कि मैं यहां पे आपको क्या क्लियर करना चाह रहा हूं, वी ब्लॉक का एंगल क्या होगा, मैं यहां पे ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि भाई यहां पे जो आप लोगों के 50 क्वेश्चन है ना, वो 50 क्वेश्चन में से मैं बोल सकता हूं 48 या फिर 45 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आप लोगों के। तो यहां पे आप लोगों को क्या है करना क्या है, जैसे कि होता क्या है, आप लोगों के कुछ टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, जैसे कि आपका लिमिट फिट टॉलरेंस है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल है, या फिर सेफ्टी है, लेकिन बियरिंग चैप्टर है, या फिर कोई अदर चैप्टर है, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग चैप्टर है, जिसका आप लोगों को ABCD भी नहीं पता है, तो वहां आप फंस जाओगे और दूसरा स्टूडेंट्स वहां से पास आउट कर जाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहां पर गेम है मिस्टर 1, 2, और 3 नंबर का, उससे ज्यादा नहीं। आप भी यहां पे 40 प्लस ला रहे होंगे, आपके बाजू में जो बैठा है ना वो भी 40 प्लस ला रहा होगा। तो यदि NPCIL की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी टॉपिक में आपका एक, समझ रहे हो कि आपने लिमिट फिट टॉलरेंस कंप्लीट किया है और आप लोग देख रहे हो कि कितने भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, मैं लगभग करेक्ट कर पा रहा हूं, कोई क्वेश्चन मुझसे फंसता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फंसता है ना वो NPCIL में आपसे नहीं पूछा जाएगा, यानी कि उस टॉपिक से सिंपल। अब आपको ये देखना है कि मेरी नजर में कौन सा टॉपिक नहीं है, क्या मैंने वेल्डिंग के बारे में, मुझे WV नहीं पता है, यदि आप लोग फिटर के हो तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि लिमिट फिट टॉलरेंस में बहुत ज्यादा ना घुसते हुए पहले मैं उसकी ABCD पता कर लूं। क्यों, क्योंकि यहां पे जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, या फिर आप लोग देखिएगा, मैं सारा लिंक आप लोगों को दे दूंगा यहां पे। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि लगभग लगभग हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो इंक्लूड कर रहा है, और डेफिनेटली आने वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी लगभग वो चीज कर सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हाई। तो हम लोगों को क्या करना है, उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। तो गाइस मेरा सजेशन यही रहेगा कि इन क्वेश्चन पेपर को आप लोग एक बार एनालाइज करो। सबसे पहले क्या देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उन क्वेश्चन पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या उन टॉपिक के बारे में मुझे एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो
तो वो चीजों को थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना है, देन उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आप लोगों को करनी होगी। सो आई होप आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए होंगे कि मैं एग्जैक्टली आप लोगों से क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लगभग मेरे पास में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वह फिटर का हो, टर्नर मशीनिस्ट का हो या फिर वेल्डर का हो, उन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको डाउनलोड करिए, देखिए उनके सॉल्यूशन को। यदि आप लोगों को देखना है तो उसकी वीडियो की लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ से फुल वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, जो कि आप लोगों के बहुत हेल्पफुल होगा। सो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिली होगी एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे होगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।